चतरा के नक्सल प्रभावित लावालौंग प्रखंड के ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया है। हेडुम गांव के ग्रामीणों ने एक रैली निकाली। रैली के माध्यम से उन्होंने बिजली और सड़क की व्यवस्था नहीं देने पर वोट का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। ग्रामीण उग्र हैं, गुस्से में हैं। उन्होंने वोट बहिष्कार की चेतावनी दे दी है। ये चेतावनी राज्य और केंद्र सरकार के साथ विधायक, सांसद और स्थानीय प्रशासन के लिए है। लावालौंग के हेडुम गांव में सड़क बदहाल है। बिजली के पोल लगे, तार भी लगे, लेकिन अब तक बिजली नहीं आई। ग्रामीणों ने कहा कि यदि सड़क और बिजली की व्यवस्था नहीं हुई तो वे वोट नहीं देंगे। ना सड़क है, ना बिजली है, स्कूल है तो मास्टर नहीं है, हॉस्पिटल का बिल्डिंग करोड़ों का बना हुआ है सरकार के द्वारा, मगर उसमें एक स्टाफ नहीं है। समरणालय को हम लोग घेराव करेंगे, अगर हम लोग को मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो हम लोग हर घर से बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर वहां जाके और हम लोग आमरण अनशन करेंगे। जब तक हम लोग का काम और हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा, हम लोग भूख हड़ताल में रहेंगे। हमारे जो मांगे हैं, ये मांग सरकार के ओर से नहीं पूरा करने के काम करते हैं तो हम लोग आने वाला चुनाव जो होगा उसको हम लोग बहिष्कार करेंगे। सभी ग्रामीण के हाथों में तख्तियां थी। सभी तख्तियों पर एक ही तरह के नारे थे, सड़क नहीं तो वोट नहीं और बिजली नहीं तो वोट नहीं। ग्रामीणों ने सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। रोड नहीं है, बिजली नहीं है, रोड के कारण कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो बहुत समस्या सामना करना पड़ता है। और यहाँ स्वास्थ्य केंद्र बना है, अभी तक सरकार ने अभी तक उद्घाटन तक भी नहीं किया है, कोई स्टाफ भी नहीं है। हम लोग सभी ग्रामीण क्षेत्रों को रूरल कनेक्टिविटी प्रोग्राम के तहत जोड़ेंगे, सड़क निर्माण किया जाएगा, हम प्रस्ताव प्राप्त करके विभाग को भेजेंगे। ग्रामीण सालों से सड़क और बिजली की मांग करते आए हैं, लेकिन अब वे थक चुके हैं और ये रैली शायद उनके आक्रोश का नतीजा है। चतरा से संजय की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।